Welcome students to the next topic of the chapter Fertilism. In the last topic we have learned different features of fertilism, different type of federations, right? And after that we have learned threefold distribution, different list, status of Jammu and Kashmir, elimination of Article 370, or status on of Union Territories, powers of court, etc. we discuss. In this class, we will discuss about how is federalism practiced. आप बोलेंगे सर कॉन्स्टिट्यूशन तो लिखे रखा है तो हम सबको फॉलो करना पड़ेगा. श्योर, 100% श्योर. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बट इट इज नॉट सफिशिएंट. स्कूल में रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. ऑल द स्कूल्स आर हैविंग देयर ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस. इफ What is the purpose of making rules and regulation if the students and teachers are not following that? Tell me. कोई फायदा है? No फायदा. कोई फायदा नहीं. So we have to follow the only school का जो वो सब कुछ disciplined school है हम बोल सकते हैं. उसको हमें follow करना पड़ेगा. The same way conscious में लिखे रखने से नहीं होते हैं. Right? We should understand. India एक democratic country है. उस डेमोक्रेटिक कंट्री है एंड डाइवर्स कंट्री भी है. उस डाइवर्सिटी को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा. वी शुड लिव टुगेदर देन फेडरेशन इज पॉसिबल. राइट, द फर्स्ट इन दिस फेडरलिज्म टॉपिक, मतलब जो हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस टॉपिक, डिस्कस अबाउट थ्री मेन सब टॉपिक. वन इज लिंग्विस्टिक स्टेट. लिंग्विस्टिक स्टेट मीन्स है स्टेट बेस्ड ऑन द लैंग्वेज. सेकेंड लैंग्वेज पॉलिसी. थर्ड सेंटर और स्टेट रिलेशन. सेंटर और स्टेट का रिलेशन के बारे में. द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट दैट वॉज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री. हमारा कंट्री का सबसे फॉरमोस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट था, फर्स्ट टेस्ट था क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स. क्यों? क्योंकि लीडर्स ने पहले बोला था आफ्टर इंडिपेंडेंस विल डिवाइड द कंट्री बेस्ड ऑन द लैंग्वेज, सो दैट इट एंश्योर द सेम लैंग्वेज वाले सब एक साथ रहें. इट वॉज अ गुड आइडिया. यू कैन सी द मैप ऑल्सो, पेज नंबर 18 एंड 19, टू मैप्स आर देयर. वन इज द ओल्ड वन, अनदर इज द न्यू वन. यू कैन ईजली रिकग्नाइज नंबर ऑफ स्टेट्स वेयर देयर इन 1947 एंड लेटेस्ट कितना स्टेट्स है देख लीजिए. प्लीज सिट विद द टेक्स्ट बुक ऑल्सो. If you have it. So creation of linguistic state, that was the first and foremost test for the democratic politics in India. अब आप सोचेंगे सर टेस्ट कैसे है? टेस्ट ही है, सक्सेस हो गए हम लोग कैसे? ये बात करता हूँ. जो मैनी ओल्ड स्टेट वानिश्ड, मतलब जो 1947 में के बाद पुराना स्टेट वानिश हो गया, नया स्टेट आ गया, बाउंड्रीज नया बना दिया, एक साथ वन लैंग्वेज वाले एक साथ रहे, ये सब कुछ डिसाइड कर दिया. अब 1947 के बाद की बात बोल रहा हूँ. नॉट ऑल द स्टेट्स बेस्ड डिवाइडेड बेस्ड ऑन द लैंग्वेजेस. नॉट ऑल द स्टेट, सम स्टेट डिवाइडेड बेस्ड ऑन द कल्चर, एथनिसिटी, जियोग्राफी. एग्जाम्पल नागालैंड, उत्तराखंड, है ना, दीज आर द एग्जाम्पल बुक में. झारखंड, उत्तराखंड, नागालैंड एक्सेट्रा आर डिवाइडेड एज अ स्टेट बेस्ड ऑन द geography, ethnicity or culture, not based on the language. Tamil Nadu based on the language, Andhra Pradesh based on the language, Odisha, like that, many states are based on the language, but some states are not based on the language. And one more thing, some leaders of India, they were not satisfied with the decision of the dividing the state based on the language. Ab aap sochenge sir ji aisa kaun se leaders hai, स्टेट को तो डिवाइड करना लैंग्वेज के बेस पे, बिकॉज एक ही लैंग्वेज बोलने वाले सब एक साथ रहे, ऐसे तो होना चाहिए. डियर्स, वो लीडर्स भी ऐसे वैसे लोग नहीं थे, वो आपका अच्छा ही चाहते थे, ऐसे ना टर. लीडर्स हमेशा हमेशा कोई ना कोई साइड से अच्छा, करप्टेड तो होंगे लेकिन कोई ना कोई साइड से अच्छा सोचेंगे. आई थिंक दोस्ट लीडर्स
They always prefer the goodness of the country. That is why वो ऐसा सोच आ गया है. वो सोच क्यों आया पता है? 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था, कंट्री डिवाइड हो गया इंडिया एंड पाकिस्तान. एंड व्हाट हैपेंड? पेनफुल ब्लडी सिचुएशन, ब्लडी पार्टीशन वी कैन से. नंबर ऑफ पीपल, थाउजेंड ऑफ पीपल मर्डर्ड एंड मेनी थिंग्स हैपेंड. सो दिस लीडर्स दे थॉट दैट दिस दैट इंसिडेंट विल रिपीट अगेन. इफ यू आर डिवाइडिंग द कंट्री बेस्ड ऑन द लैंग्वेज, हो सकता है कि तमिलियंस आंध्र प्रदेश में रहते हैं, आंध्र प्रदेश के लोग कर्नाटक में रहते हैं, कर्नाटक का लोग तब केरला में रहते हैं, ये सारे साउथ का स्टेट्स हैं. सो उस कंडीशन में क्या होगा? वहाँ पर हंगामा होगा. जब स्टेट डिवाइड करेगा, आंध्रा का लोग बोलेंगे उसके अंदर जो अगर तमिलियन रहते तो भाग यहाँ से भाग, तमिलियंस केरल को केरलों का लोगों को बोलेंगे भाग यहाँ से भाग, फिर क्या करेंगे? लड़ाई, सिविल वॉर श्रीलंका की तरह. सो दैट वॉज द रीजन वाई दे स्केयर्ड और फेल्ट वेरी बैड. लेकिन बाद में उनको पता चला है कि हमारा जो फियर वो बेकार था. अब आप देखो बेस्ड ऑन द लैंग्वेज ओनली डिवाइडेड, कितने अच्छे जो क्या बोले बॉन्डिंग है हमारा स्टेट्स आपस में, राइट? इफ एनीथिंग हैपन इन वन स्टेट अदर्स विल हेल्प, इज़न्ट इट? केरला एक्सपीरियंस द फ्लड्स द लास्ट ईयर, सो ऑल द स्टेट्स हेल्प. Same as it is, once Gujarat, they hit, hardly hit this earthquake and all the states helped. Jammu and Kashmir mein megha visfod ho gaya tha, isn't it? Cloud burst, bad ho gaya tha, means floods hua tha, all the states helped. Same as it is, itna cooperation and correlation hai states aapas mein, jo us leaders ka jo dar hai, wo bekar hai karke proof kar diya. But जो बुक में नहीं है वो कहानी में बताता हूँ आपको, जो क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट के ऊपर फाइनल लीडर्स ने मना किया, ये डर से विदहेल्ड कर दिया, होल्ड कर दिया. बट पीपल ऑफ वेरियस स्टेट्स वो सपना देखे बैठा था, अब हमारा अपना स्टेट बन जाएंगे. तेलुगु लोगों के लिए आंध्र प्रदेश, तमिलियंस के लिए तमिलनाडु, मलयालम लोगों के लिए केरला, मणिपुर लोगों के लिए मणिपुरी भाषा के लोग बात करने वाले के लिए मणिपुर, बांग्ला लैंग्वेज बात करने वाले को बंगाल, इस तरह सपना देखे बैठा था. तब जाकर के सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑर्डर आ गया, नो क्रिएशन. आंध्र प्रदेश में क्या कर दिया, एक कांग्रेस लीडर था पोट्टी सीरामेलु, आपका बुक में ये नहीं है, पढ़ना भी नहीं है आपको, जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ. पोट्टी सीरामेलु उन्होंने क्या कर दिया, भूगड़ताल किया, हमें अपना स्टेट चाहिए. आपने तो प्रॉमिस किया था फ्रीडम से पहले, फ्रीडम फाइट के टाइम में प्रॉमिस किया था कि आपको स्टेट मिलेगा, हम उसी लिए तो पार्टिसिपेट भी किए हैं. नाउ यू आर टेलिंग दैट वी विल नॉट गेट, इट इज़ नॉट जस्टिस. सो भूगड़ताल किया. इस पोटी श्रीरामलु जी ने 56 डेज फास्ट कर दिया, फास्ट अनटू डेथ करता ना जो भूगड़ताल किया है, 56 डे खत्म हो गया वो, मतलब ही एक्सपर्ट भाई साहब. उसके बाद क्या हो गया, आंध्रा का लोग, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द पीपल ऑफ आंध्र प्रदेश, दे वर रेडी टू वाट एवर दे वॉन्ट, मीन्स पोट्टी श्रीरामेलु के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था, isn't it? People totally attracted towards this पोट्टी श्रीरामेलु and they were on the road, streets. They started to demolish all the things, started to destroy the things, destroy the government offices, पब्लिक व्हीकल्स. इतना हंगामा किया है ये देख करके फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया, आंध्र प्रदेश को अपना दर्जा दिया है, इस तरह स्टेट्स क्रिएट कर दिए. लेकिन है हमारे, हम ये बता सकते हैं आज लीडर्स बहुत खुश है बिकॉज आपस में स्टेट बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे क्या बोलेंगे रिलेशन से आजकल रह रहे हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम. देखिए हम ये बोलेंगे. अगला है आपका लैंग्वेज पॉलिसी. लैंग्वेज पॉलिसी के पढ़ने से पहले जस्ट आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन टू यू, दिस इज द सेकंड टेस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री का, हमारा कंट्री का सेकंड टेस्ट ऑफ इंडियन फेडरेशन का, इंडियन फेडरेशन का सेकंड टेस्ट है कि जो आपका लैंग्वेज पॉलिसी. अब आप बोलेंगे सर टेस्ट बोलने कहाँ पर टेस्ट हो रहा है, टेस्ट तो हो रहा है. आप बताइए हमारा नेशनल लैंग्वेज कौन सी है, आप बोलेंगे इमिडिएटली, आप बोलेंगे सर हिंदी.
हिंदी इज नॉट नॉट द नेशनल लैंग्वेज. वी नेवर कंसिडर एनी लैंग्वेज एज द नेशनल लैंग्वेज, बट वी हैव गिवन द पोजिशन टू हिंदी एंड सम अदर लैंग्वेजेस, मेनली हिंदी एंड इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज. ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा और भी किसी को स्केड्यूल लैंग्वेज को माना जाता है, कुछ और है बता देते उसके बारे में. आप ही बोलेंगे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन ऑफ द लैंग्वेज. कोई भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस दर्जा नहीं दिया गया. हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया है. वाई? बिकॉज ओनली 40% ऑफ इंडियंस आर यूजिंग हिंदी एज द मदर टंग. हिंदी को अपना मदर टंग में 40% पीपल आर यूजिंग, 60% पीपल आर यूजिंग वेरियस अदर लैंग्वेजेस, बट ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदी बात कर रहे हैं. तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल मीटिंग्स में जो आपने पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, उसमें बहुत सारे जो आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हुआ था कि हिंदी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बनाना करके, लेकिन लास्ट में नहीं बना पाया क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस ओनली 40% ऑफ हिंदी इंडियंस आर यूजिंग हिंदी एज द मदर टंग, अदर्स आर यूजिंग अदर लैंग्वेजेस. सो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नॉट इम्पोज्ड हिंदी ऑन स्टेट्स वेयर पीपल स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज. नंबर ऑफ स्टेट्स आर देयर हिंदी इज नॉट यूजिंग, लाइक केरला देयर ओन लैंग्वेज मलयालम, तमिलनाडु तमिल, आंध्र प्रदेश तेलुगु, कर्नाटका कन्नडा, मणिपुर मणिपुरी, है ना, पश्चिम वेस्ट बंगाल बांग्ला, गुजरात गुजराती, नंबर ऑफ स्टेट्स देयर ओन लैंग्वेजेस. सो सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट इम्पोजिंग दिस लैंग्वेज शुड बी द नेशनल लैंग्वेज, दिस लैंग्वेज शुड बी यूज्ड बाय ऑल द स्टेट्स, इस कंडीशन था. बिसाइड्स हिंदी देयर आर लैंग्वेज रिकग्नाइज एज स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस, टोटल 22 स्केड्यूल्ड लैंग्वेज इंक्लूडिंग हिंदी, 21 प्लस हिंदी, 22 स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस. इफ यू आर अ कैंडिडेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन यू कैन चूज एनी वन ऑफ दिस लैंग्वेज. इंडस्ट्रियल कोई भी लैंग्वेज आप चूज करके एग्जाम लिख सकता है. यू कैन सी दैट बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको उसमें पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा. और बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन ऑल्सो दे विल आस्क इन व्हिच लैंग्वेज यू वांट टू राइट, सो यू कैन ऑप्ट योर ओन लैंग्वेज. सो ये कंडीशन है. एंड द मैक्सिमम वर्क ऑफ गवर्नमेंट टेक्स प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दैट कंसर्न स्टेट. आपको ये भी पता होना चाहिए स्टेट में अपने अपने लैंग्वेजेस से स्टेट हैविंग द अथॉरिटी टू यूज देयर ओन लैंग्वेजेस फॉर द डे टू डे वर्क. हर स्टेट को अपने अपने लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारा इंडिया में जो हिंदी नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया, ध्यान रखना आपको नहीं दिया गया. रीजन 40% पीपल आर यूजिंग हिंदी एज अ मदर टंग, रेस्ट ऑल आर यूजिंग सम अदर लैंग्वेज. हाफ भी नहीं है इसी वजह से. और स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस से कैंडिडेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन कैन यूज एनी ऑफ दिस 22 लैंग्वेजेस, हिंदी इंग्लिश कोई भी जो दिया गया 21-22 लैंग्वेजेस में कोई भी यूज कर सकता है, राइट. And in our constitution, it was made clear that use of English, English ka use 1965 mein khatam karna hai. But ye bhi hangama ho gaya. Constitution ne mention kiya 1965 tak English continue karne do. No problem because English log aaya tha, unhone diya hai, unka sab kuch chal raha hai. 1965 mein isko khatam karna hai. But kya ho gaya? Many non-Hindi speaking states, they oppose this. They thought that this is a plan for imposing Hindi on our own states. मैंने सोचा कि ये एक ट्रिक होगा कि इंग्लिश बंद करके हिंदी को इम्पोज करेंगे हमारा स्टेट में. It's not possible. We are not at all going to take Hindi as a national language because we are unaware of this Hindi and all. Especially Tamil Nadu. Tamil Nadu में ये जो decision बहुत बड़ा सा violent हो गया. तमिलनाडु पीपल ने जो सेम जो आप पोटी श्रीनामेलोजी एक्सपेयर हुआ था दैट टाइम जो लोग रास्ते पे आया सेम आस्थितिस तमिलनाडु में लोग रास्ते पे आ गया. दे स्टार्टेड टू डिस्ट्रॉय द गवर्नमेंट ऑफिसेस पब्लिक सर्विसेस एंड एक्सेट्रा. एट लास्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विड्रॉ द डिसीजन एंड दे हैव टेकन दिस इंग्लिश एंड हिंदी बोथ एज द ऑफिशियल लैंग्वेज. दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेज कर दिया. सपोज यू आर appointed for a central government job, you will get both the languages. Letter, your appointment is also in both the languages. Question paper is also in both the languages, Hindi and English. Right? So, Hindi and English considered as the, considered now considered as the official language.
बट सेंट्रल गवर्नमेंट इस क्या बोलेंगे कि जो हिंदी को प्रमोट करने के लिए कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, हिंदी को जो प्रमोट करने के लिए. इसका मतलब ये नहीं है कि जो दे आर फोर्सली दे आर इम्पोजिंग द यूज ऑफ हिंदी इन अदर स्टेट एंड ऑल, ये मत सोचना ठीक है. और अटेम्प्ट कर रहे हैं, अटेम्प्ट नहीं कर रहा कि इम्पोज टू हिंदी ऑन दम, वो जस्ट हिंदी को प्रमोट करने के लिए जस्ट कर रहे हैं ठीक है. और उनका डिमांड तो कंटिन्यू हो गया, उनके डिमांड को फॉलो हो गया, इंग्लिश को भी कंटिन्यू कर रहे हैं, इंग्लिश एंड हिंदी आप दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में आप गवर्नमेंट ऑफिस में यूज़ कर रहे हैं. बट स्टेट हैविंग देयर ओन लैंग्वेजेस ऑल्सो, ये भी आप सोच लेना, मन समझ लेना. कौन सी स्टेट में हंगामा हुआ था? तमिलनाडु. नॉट ओनली तमिलनाडु, मणिपुर ऑल्सो. देखिए बुक में तो तमिलनाडु दिया है, मणिपुर ऑल्सो हैपेंड द वायलेंट क्लैशेस एंड ऑल, दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेकन बैक देयर डिसीजन ठीक है, ध्यान रखना. एंड नेक्स्ट इज सेंट्रल स्टेट रिलेशन, इसके बारे में भी आपको अच्छी तरह समझना है. सेंट्रल और स्टेट का डिविजन, सेंट्रल मीन्स सेंटर, सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी है, अभी नरेंद्र मोदी जी जो का सरकार है वो, और स्टेट गवर्नमेंट का, इन दोनों का रिलेशन 1990 से पहले और 1990 के बाद, ये दोनों आपको समझना है. 1990 से पहले, वो बोलने से पहले आप अपना बुक देखो, पेज नंबर 21 में आप देख लीजिए. दो पिक्चर है, एक तो जो ऊपर का पिक्चर देखो, हु इज स्टैंडिंग, हु इज डिस्ट्रीब्यूटिंग पावर, इज इट एबल, आर यू एबल टू रिकॉग्नाइज द पर्सन. द हेडिंग लिखा है द स्टेट प्लीड फॉर मोर पावर्स, द स्टेट प्लीड फॉर मोर पावर्स राइट. इंदिरा गांधी इज स्टैंडिंग, शी वॉज द देन प्राइम मिनिस्टर, एंड स्टेट को जो पावर दे रहा है उसका मतलब जो स्टेट्स आर स्टैंडिंग विद ए बाउल बेगिंग फॉर पावर्स. देखा हमने सबसे पहले खड़े कौन है, केरला. अब आप सोचेंगे ये ऐसा क्यों, केरला सबसे क्यों खड़े हैं, और इंदिरा गांधी देखो मुंह दिखा रही है, फेस दिखा रही है, उस आपकी चीफ मिनिस्टर इज ऑल्सो, ये जो बुक में नहीं है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. ये जो चीफ मिनिस्टर जो खड़े हैं ना केरला का, EMS नंबूदिरी पाड, इसका नाम है EMS नंबूदिरी पाड. नंबूदिरी मीन्स ब्राह्मण को कहते हैं ठीक है वहां पर. सो दिस पर्सन इज बेगिंग पावर फ्रॉम इंदिरा गांधी, बट शी इज नॉट विलिंग टू गिव. व्हाई? बिकॉज इंदिरा गांधी शी वॉज फ्रॉम कांग्रेस एंड दिस EMS ही वॉज फ्रॉम कम्युनिस्ट पार्टी, अनदर पार्टी. दैट मीन्स सेंटर में एक पार्टी, स्टेट में अनदर पार्टी. अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटर में अगर एक सेम पार्टी, दोनों सेम पार्टी नहीं तो दे विल नॉट गिव प्रॉपर पावर. इंदिरा गांधी इज नॉट विलिंग. दैट टाइम बिफोर 1990 सेंट्रल गवर्नमेंट हैविंग द अथॉरिटी, दे मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे आर एबल टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो. स्टेट गवर्नमेंट का अगर एक्टिविटी अच्छा नहीं लगा तो मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसमिस भी कर सकता था पहले, 1990 से पहले. And Kerala is the state having the non-Congress government, right? Non-Congress government. This was a, आपको आइडिया मिला होगा 1990 के पहले की कहानी क्या है. Central and state, maximum state and central, center was ruled by the same political party, that is Congress. So अगर कुछ अगर नहीं दिया, power नहीं दिया तो भी state का Congress कुछ नहीं बोलते. लेकिन ऐसा नहीं है जो non-Congress, वो तो पूछेंगे ही पूछेंगे. नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, इस नंबूदरी पार्ट का गवर्नमेंट को डिसमिस भी किया है एक बार, राइट. सो पावर शेयर नहीं करेंगे. लेकिन 1990 के बाद है ना, आर जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम टोटली चेंज हो गया, बिकॉज ऑल चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990. इंदिरा गांधी का असासिनेशन, राजीव गांधी का खत्म हो गया, उसके बाद क्या हो गया, कांग्रेस का डिक्लाइन हो गया. द पीरियड्स ऑफ द डिक्लाइन ऑफ the rise of regional political parties and the decline of Congress. Central में जो Congress का importance कम हो गया, regional party, state party का जो importance बढ़ गया, and किसी party को भी majority नहीं मिला. Not a single party got the majority to form the government. So many party together to form a government, that is known as coalition government. पूछेंगे what is coalition government?
different party, if a major party or majority, a major party not approving the majority in the parliament, that time different party will form government and will show the majority. Such government is known as coalition government. और सेकंड फिगर जो दिया है वही है. देखो पेरिल्स ऑफ रनिंग ए कोलिशन गवर्नमेंट, आप पेज नंबर 21 में देख लीजिए, आपका बैठा हुआ है कोलिशन गवर्नमेंट. देखो वाजपेयी जी है, एक कार्टून में लिखा है वाजपेयी, और नीचे देखो कौन कौन है, जयललिता जी है, ममता बनर्जी भी है, चंद्रबाबू नायडू है, नंबर ऑफ पीपल. अगर इनमें से अगर एक भी निकलेगा ना, क्या काम, वाजपेयी जी गिर जाएंगे, बिकॉज कोलिशन गवर्नमेंट है. इन दिस कंडीशन ही हैज टू एक्सेप्ट द, क्या है कोलिशन गवर्नमेंट के टाइम में, ही हैज एक्सेप्ट द पावर ऑफ द स्टेट्स. कोलिशन गवर्नमेंट के बाद क्या कर दिया, सिनारियो चेंज हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट इज गिविंग पावर टू द स्टेट गवर्नमेंट, एंड उनको तो मानना शुरू कर दिया. एक, बिकॉज रीजनल पार्टी का इंपॉर्टेंस सेंटर में हो गया, सेंटर में रीजनल पार्टी का इंपॉर्टेंस हो गया. साथ में क्या कर दिया, जो आपको सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो मेड इट डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट इन एन आर्बिट्री मैनर, अपने मर्जी से सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं कर सकता है करके सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर भी कर दिया. तो आपको रिलेशन सेंटर से रिलेशन पूछे तो वो पोर्शन आप रीड कर लेना, उसमें आप पहले बोल देंगे क्या है, जो 1990 से पहले रूलिंग पार्टी ऑफ द स्टेट लेवल एंड द सेंट्रल लेवल वॉज सेम, नॉन कांग्रेस नॉन रूलिंग पार्टी वाले सेंटर में जो रूल करना करने वाले स्टेट पार्टी को पावर तो कम देते थे, इजंट इट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट बिफोर 1990. ठीक है, जो भी राइवल पार्टीज अगर रूल किया, एग्जाम्पल केरला का मैंने बोल दिया, राइवल पार्टी का रूल कराए तो उनको डिसमिस कर देते थे. ठीक है, बट दिस इज अंडरमाइंड द स्पिरिट ऑफ, दिस विल अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, यह फेडरलिज्म का स्पिरिट का अंडरमाइन करने वाली बात है. बट 1990 के बाद सब चेंज हो गया सिनारियो. ये आपको रीजनल पार्टी का जो फ्लरिशनेस आपने देखा है, कोलिशन गवर्नमेंट बन गया तो स्टेट पार्टी को इम्पोर्टेंस मिल गया. ठीक है, और अलायंस में आ गया, ये सब कुछ बोलेंगे, न्यू कल्चर आ गया. फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिया कि किसी को आर्बिट्री मैनर में सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट. ये सब की वजह से स्टेट गवर्नमेंट का रिलेशन और सेंटर का अच्छा हो गया पहले से. राइट, इतना करेंगे हम, उसके बाद इसका बोर्ड एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाएगा. थैंक यू. सो डियर स्टूडेंट्स, द टॉपिक इज हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस. एज आई टोल्ड यू, इट इज नॉट सफिशिएंट दैट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी टू प्रैक्टिस फेडरलिज्म, but that is not sufficient. So we discuss about the linguistic states. Linguistic state matlab language based states. Government of India decided to divide the state based on the languages, but not all the state based on the languages. Some states are based on the culture, ethnicity and geography, such as Nagaland, Uttarakhand, Jharkhand. They were divided based on the geography, cultural ethnicity or ethnicity. Then, during the division of the states, some of our national leaders having some fear also, because that lead to the disintegration of the country, like division of India into Pakistan during 1947. So that fear, बाद में हमने देखा है तो fear ही नहीं रहा, because all the states, they are very cooperatively to rah rah askal, they are supporting also each other, right? And iske alawa maine kahani bataya tha Andhra Pradesh ka Potti Sridharamulu ji ke bare mein, that also listen based, that is not in the textbook, but for the knowledge only I have given that. Next, language policy ke bare mein bata diya. The second step, this was the first step, the linguistic stage, first test tha hamara, second test hai aapka लैंग्वेज पॉलिसी में आपको मैंने बता दिया, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल जो कमिटी था उसमें जो क्या बोले डिबेट्स हुआ था, उन कौन सी लैंग्वेज चाहिए, हिंदी. मोस्ट ऑफ द नॉर्थ इंडियन लीडर्स दे फोकस्ड ऑन हिंदी एज द नेशनल लैंग्वेज,
but many people argued against that. At last, what happened? Indian Constitution did not give the status of national language to any language. And as you know that if we wanted to practice federalism, we have to accept the diversity, right? If you are accepting the diversity, that means we have to accept the different languages also. We are having number of languages, number of states, number of languages. So we have to accept that. It's not possible that we have to impose one particular language on all the states. That really happened. Many people supported Hindi because most of the Indians use Hindi as the mother tongue. But only 40% people are using Hindi as the mother tongue. Rest 60% are using various languages. So that is why only Constitution did not give any the status of national language to any one language. Hindi and English are considered as the official language. Along with the Hindi, 21 other languages also as known as scheduled languages. A central government employee, candidate, you can use any one of these languages. Your question paper also will come in those Hindi and English also. You can choose any one language also, right? And English was stopped with the constitution in 1965. That also created a lot of problem because non-Hindi speaking people, they thought that the stoppage of English, that might be in the government is going to impose Hindi on us, especially non-Hindi speaking state like Tamil Nadu and Manipur. They started violence, they protest against this, and that led to violence. They destroyed the government offices, the public services, destroyed public services, etc. So government of India, the government of India, they withdraw the decision of this, and they impose English and Hindi both as the national language. Now, each and every communication is on these two languages, English and Hindi, both we can use, right? And but government of India is still, they are promoting Hindi language. It's come on, they are imposing Hindi, forcibly imposing Hindi on other states. State having their own languages, they can utilize their own language for that administrative purpose. If I am going to Kerala government offices, suppose I am going to village office, I have to give the application in Malayalam because their office, in that office, that office, state government office, they are following all these things, application also in Malayalam. The same way every state, they are having their own language, they are promoting their language, they are using their language, right? And next is the central state, relation. Center state, it's not central, center state relation. Center means center government, state means state government, right? इसका हमने बोलना कि after and before 1990 से पहले और 1990 के बाद, that you have to check that two cartoons given in the textbook, page number 21, Indira Gandhi is distributing the power. 1990 से पहले maximum जो state governments and central government same था, Congress से था. लेकिन किसी tribal government है, तो government is central government is not ready to give the power to the rival governments. And they misuse the constitution and they try to dismiss the state government also. Constitution provision ko misuse karke, they try to dismiss the state government also. But after 1990, the scenario changed because not a single party getting the majority in the center. So they have to accept the support of the regional parties because that time regional parties emerged. Congress ka importance come, okay, Indira Gandhi assassinated, Rajiv Gandhi assassinated. So after that, Congress ka decline of the importance and regional parties arose and flourished. That is why in center, many regional parties came. And that is why coalition government formed Gandhi. What is coalition government? If suppose not a single party get the majority in center, then the party will form the government with the help of other parties. Isn't it? That is what is coalition government. That picture, second cartoon is for that only, Paspeji and other colleagues, isn't it? So, uske baare mein aapko samajhna hai. So, 1920 ke baad jo scenario change ho gaya, regional party ke wajah se state party ko importance mil gaya, state ko importance mil gaya, pehle state ko importance nahi tha, ab importance mil gaya, right? And iske alawa Supreme Court also passed an order
It is not possible to dismiss the state government in an arbitrary manner. अपने मर्जी से state government cannot dismiss the state government. ये भी नहीं किया आया. इस वजह से state का party या state government को importance मिल गया. Relations change हो गया. पहले का relation नहीं है. पहले से अंदर इंदिरा गांधी जो बोलेंगे वो state government को follow करना पड़ता था. इसे ना discondition. अब ऐसे नहीं है. अपने मर्जी से आप कर सकते हैं. Right? With this we can go down this topic or this session. Only one topic left, decentralization, that we will learn in the next class. With that, we will complete this lesson, second lesson also. Thank you.